ये होटल सौमेंद्र है, थाना सारनाथ अंतर्गत। यहाँ पे हमें सूचना मिली कि एक महिला ने यहाँ पे रूम नंबर 105 में फांसी लगा ली है। फांसी लगाकर आत्महत्या की सूचना मिली, इस पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया और सभी लोग यहाँ पहुँचे तो सभी साक्ष्य संकलित किए गए। यहाँ से प्रथम दृष्टया मामला जो है आत्महत्या का ही प्रतीत होता है। इसमें आकांक्षा दुबे यहाँ पर रुकी हुई थी, जो भोजपुरी फिल्मों में काम करती हैं और मूल रूप से चौरी भदोही की रहने वाली हैं और काफ़ी समय से महाराष्ट्र में इनका परिवार रहता है। तो सभी परिजनों को सूचना दी गई है, वो आ रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला है? कोई सुसाइड नोट बरामद अभी नहीं हुआ है इसमें। यहाँ पर कितने दिन से रुकी थी ये? 22 तारीख की रात में यहाँ पर आई थी और इनकी कोई यहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही थी। किसी भी प्रकार का सर कोई विवाद सामने आया, जैसे यूनिट की पूछताछ? अभी प्रथम दृष्टया अभी कुछ जानकारी नहीं मिली, सबसे पूछताछ की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी, मेरा नाम अखिलेश वर्मा है और ये मेरी पहली भोजपुरी फिल्म है। 22 तारीख को यहाँ पहुँचा था मैं मुंबई से और उसी दिन जब मुहूर्त हुआ था तभी मुलाकात हुई थी। आज तो उनका पहला दिन था शूटिंग का, आकांक्षा का। तो अपना हम लोग निकले 8 बजे के करीब, गाड़ी से निकले थे, यहाँ पे सेट पे पहुँचे, फिर उनको उठाया गया तो उनको कॉल किया गया बट कोई रिस्पांस नहीं था। काफ़ी देर से, एक घंटा, डेढ़ घंटा, पौन घंटा प्रोडक्शन वाले कॉल कर रहे, नहीं उठाया गया। तो फिर मास्टर की से दरवाज़ा खोला गया तो उनकी डेड बॉडी दिखी, तो लाइक सुसाइड किया उन्होंने। तो ये कहाँ रहने वाली है, क्या नाम है? महाराष्ट्र से ही है, अभी मुझे पता चला है महाराष्ट्र से, कहीं वहाँ नारा सुपारा कहीं पालघर से है। तो कितनी उम्र रही है? उम्र का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है लेकिन यंग ही थी काफ़ी। 22-24 साल? हाँ, 22-24 साल के आसपास। तो इसके पहले भी कहीं शूटिंग की है? नहीं, इसके पहले जो मैंने किए वो हिंदी फिल्में सारी की हैं। गुंडे मर्दानी, जातिवाद, लव चक्र, इश्क सरफरा, साउथ की फिल्में की 10-12 फिल्म मैं कर चुका हूँ। लेकिन नहीं, इनके साथ नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ, इनके साथ मेरी पहली फिल्म थी। ये इन्होंने कभी फिल्म इन्होंने तो की है, मैं गूगल सर्च किया था तब देखा मैंने, एल्बम्स बहुत किए हैं इन्होंने, एल्बम बहुत किए भोजपुरी एल्बम का। अब ये तो बताएंगे फोन गया कि नहीं गया वहाँ से, क्योंकि हम लोग तो इनके परिवार वालों किसी को जानते ही नहीं थे। आकांक्षा दुबे, ये हम लोग फिल्म कर रहे हैं अपना लायक हूँ मैं नालायक नहीं, भोजपुरी फिल्म है। आज से स्टार्ट थी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।